अशोक तंवर ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने ये जमीन पूंजीपतियों के लिए ली है, लेकिन किसानों को उनका हक सरकार नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि किसानों की इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। जो लड़ाई है 1810 एकड़ जमीन जो कासन गांव की सरकार औने पौने दामों में जो करोड़ों रुपए की जमीन है, हमने कहा है पार्टी का, हमने एक सभी साथियों से बात करके, लोगों से बात करके ये एक निर्णय किया कि 11 करोड़ रुपए अगर प्रति एकड़ ये देते हैं तो किसान तैयार होंगे, और अन्यथा जो भी इनका संघर्ष होगा, जो भी फैसला ये लेंगे, क्योंकि ये महा पूंजीपतियों के लिए ज़मीन खरीदी जा रही है। तो सरकार जो है पूरी तरीके से किसान को बेदखल करना चाहती है, उसको भूमिहीन करना चाहती है। तो संघर्ष में हम इनके साथ हैं और पूरी पार्टी आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के नेतृत्व में किसान को बचाना चाहती है और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों का खात्मा करना चाहती है। वहीं किसानों को समर्थन देने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत भी धरना स्थल पर पहुंचे। टिकैत ने यह साफ कर दिया कि यह धरना लंबा चलेगा और सरकार के साथ लंबी लड़ाई किसानों को लड़नी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अपनी कानूनी कार्रवाई करती रहेगी, लेकिन सरकार को तब पता चलेगा जब वो यहाँ पर जमीन पर कब्जा करने के लिए पहुंचेगी। टिकैत ने साफ किया कि किसी भी कीमत पर किसान अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। देखो, धरना तो ये लंबे चलेंगे, सरकार को ये कहते रहेंगे, सरकार अभी कोई इनको जवाब नहीं दे रही, वो कागजी कार्रवाई अपनी करेगी। सरकार आने के फंसेगी जब वो जमीन पे कब्जा लेगी, वहाँ पे सरकार घिरेगी, अपना मुआवजा ना उठावे और ना जमीन देंगे। ये यहाँ पे निर्णय किसानों का होगा, महिलाओं बच्चों का होगा, ये जमीन वो छोड़ देंगे नहीं। रेजिडेंस के पास में जमीन है, इनकी पूरे गांव की जमीन चली गई, इन्हें अपनी जमीन वहां बांट के कुछ खरीद के सबने अपने घर बार बना रखे, इनकी कॉलोनी नहीं उजड़ेगी और ना इस रेट में किसान जमीन दे रहा है। पूरे देश में पंचायतें चलेगी, अलग अलग संगठन पंचायतें करेंगे। वहीं किसानों की माने तो सरकार भूमि अधिग्रहण के बदले 55,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे रही है, जबकि यहां पर करोड़ों रुपए की जमीन है। किसानों का मानना है कि 55 लाख रुपए में गुरुग्राम जैसे शहर में 100 गज का प्लॉट भी नहीं आता। वहीं दूसरी ओर किसानों का कहना है कि ये जमीन उनके पूर्वजों की है, जिसका कोई मोल नहीं होता, इसलिए सरकार के द्वारा की जा रहे अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। जो ये हमारा 1810 एकड़ का चल रहा है, 65 दिन से हमने हाथ जोड़ जोड़ तो होगा कि हमारी ना सरकार सुन रही ना कोई अधिकारी सुनता है। देखो, त्रेता युग में रामचंद्र जी ने समुंदर से रास्ता मांगा था, 3 दिन भगवान ने हाथ जोड़े, देखो हमें रास्ता दे दे, तो फिर जब कही थी, जब ना माने तो कही थी, विनय ने माने जल जड़ गए 3 दिन भी, बोले राम सको तो भय भी न हो प्रीत, तो भय अगर प्रीत नहीं होती इतना अग्निबाण नहीं चढ़ेगा, इतने ये सरकार नहीं मानेगी। हम पूरी IMT को जाम करेंगे, मारुति कंपनी को जाम करेंगे और होंडा कंपनी, इनको सबको जाम करेंगे, फिर सरकार को देखते हैं कि सरकार ये क्या करती है और क्या नहीं करती। बहरहाल, जहां एक तरफ किसान इस अधिकरण का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं सरकार और प्रशासन भी अपनी बात पर अड़ियल है। ऐसे में देखना होगा कि किसान की ये लड़ाई कहां तक पहुंचेगी और सरकार का अगला कदम क्या होगा। टोटल न्यूज के लिए करण जय सिंह की रिपोर्ट।